आदाब सत श्री अकाल, जो जिसको अच्छा लगे रख लिए। तो मेरा नाम सुमित भारद्वाज है, मैं यहीं पास से गंगा के किनारे एक छोटा सा शहर है हरिद्वार, वहाँ से आया हूँ। तो ऑडियंस को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैं करके आया हूँ यहाँ तक। तो पहले एक शेर पढ़ता हूँ। ऑडियंस में किसी को चाय बड़ी पसंद है तो चाय से शुरू करूँगा। एक तो चाय गरम, दूसरा तेरी आंखों में शर्म। एक तो चाय गरम, दूसरा तेरी आंखों में शर्म, तीसरा तेरे होठ नरम। मिले जो तीनों तो जाना, लगता कैसा होगा त्रिवेणी संगम। और कुछ कहने से पहले एक पोएट्री पढ़ता हूँ, जो जिसका नाम मोहब्बत की यादें हैं। दिल विल संभाल के रखना, रहा टूट ना जाए वापिस, अभी और भी सुन लिए। सुनो, जो मैं और तुम अब हम नहीं हैं, जो मैं और तुम अब हम नहीं हैं, जो जिक्र पे तेरे होती मेरी आंखें नम नहीं हैं, जो मैं और तुम अब हम नहीं हैं, जो जिक्र पे तेरे होती मेरी आंखें नम नहीं हैं। तो सोचता हूँ मैं अपने दिल की सारी दरारें भर लूँ, तो सोचता हूँ मैं अपने दिल की सारी दरारें भर लूँ। तारीफ तो तेरी खूब लिखी थी, अब जमाने से तेरी बुराई भी कर लूं। वो झुमके खरीदे थे ना जो तेरे लिए दिल्ली के मीना बाजार से, वो झुमके आज भी पड़े हैं मेरी अलमारी की दराज में। कहने को तो झुमके पुराने हो गए हैं, पर इश्क भी कौन सा नया रह गया है हमारा। आखिरी दफा मेरे घर पर आकर तुम चाय पीकर गई थी ना जिस गिलास से, वो आज भी गर्म पड़ा है तेरे होठों के नरम एहसास से। तेरे लगाए हुए पर्दे मेरे घर की खिड़कियों पर अब भी लटक रहे हैं, देख रही हो शिद्दत हमारी मोहब्बत की। कहने को जुदा हो गए हम, पर जमाने को अब भी खटक रहे हैं। और अगली लाइन बहुत खास है मेरे लिए। बना हुआ बिस्तर बिगड़ा हुआ घर, खामोशी में गुजरता मेरा हर पल मेरी तन्हाई की चीख चीख कर गवाही देता है। तुम ये बताओ वो लड़का कौन है जो इन दिनों तुम्हारे साथ रहता है। जो यार है तुम्हारा तो अलग बात है, पर जो प्यार है तुम्हारा तो ये तो बता दो कि उसमें क्या अलग बात है। क्या तेरे जिस्म के तिलों के अलावा वो तेरी रूह के जख्मों को भी पहचानता है, तुझे बिस्तर के बाई और नींद नहीं आती क्या ये वो भी जानता है। कौन किसको कितना और क्यों चाहता है ये भला कौन जानता है, पर तुम बस चौकस रहना, ये जमाना बहुत बुरा है, ये मोहब्बत के नाम पे जिस्म मांगता है। और तुम घबराओ मत, तुम्हारी बुराई ना तब की थी ना आप करेंगे, इश्क सच्चा था हमारा, उसे यूं महफिलों में बदनाम थोड़ी करेंगे। और जब इतना आनंद आ ही रहा है तो एक और सुना देता हूँ। उससे पहले ये कह देता हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो कविता का नाम सिगरेट ही है। सिगरेट पी लेता हूं जब कभी तेरी याद आती है, दो कश भरते ही अपनी औकात याद आ जाती है। सिगरेट जितनी ही तो थी कीमत मेरी, तूने होठों से भी लगाया, धुएं में भी उड़ाया और जलाने से पहले दांतों तले भी दबाया। तूने जलाने से पहले दांतों तले भी दबाया। हम कमबख्त
हम कमबख्त समझ बैठे इश्क है, तेरी तलब से ज्यादा कुछ नहीं, ये तो तब समझ आया जब तूने पैरों तले दबाया। तेरी तलब तो चलब, तेरी तलब तो चलब, दूसरी सिगरेट मिटा देगी, मेरी तलब का क्या, मुझे ये सिगरेट कैसे सुकू देगी। जाम पीते हैं, शराब पीते हैं, जाम में तुम नजर आती, शराब पीते हैं, जाम में तुम नजर आती हो, जिस रास्ते चलते हैं उसके अंजाम में तुम नजर आती हो। जब तक सिगरेट चलती है दिल बहलता है, जब तक सिगरेट चलती है दिल बहलता है, सिगरेट को चलते ही दिल को तुम याद आ जाती हो। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ और फिर आपसे अलविदा लूंगा। कि सोच तो जरा कितना बवाल हो जो एक ही मोहल्ले में तेरा मेरा ससुराल हो। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन अ वेरी लवली ऑडियंस। और मुझसे किसी ने पूछा था कि इंस्पिरेशन क्या है, तो ये जो होठों के आगे माइक है ना, ये बहुत कुछ करा देता है।